प्लस के नंबर में क्या पहचान होती है इसको देखते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने इस ई को देख रहा हूँ, इसको अगर चश्मे को मैं नीचे करता हूँ तो ई ऊपर जा रही है, ऊपर करता हूँ नीचे आ रही है, इधर करता हूँ तो लेफ़्ट जा रही है, राइट करता हूँ तो लेफ़्ट जा रही है। तो इसकी खासियत ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में इमेज जाती है, जिस इमेज को आज देखेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए मैं नीचे करूँगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर करूँगा नीचे आएगा, राइट करूँगा लेफ़्ट जाएगा, लेफ़्ट करूँगा राइट आएगा। ये प्लस की पहचान हो गई। तो चलिए अब माइनस का देखते हैं, तो माइनस में देखते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, ई पे फोकस करते हैं, फोकस कर रहे हैं, इसके बाद ये चश्मा आ गया। इसमें देखिए माइनस का नंबर है और ऑब्जेक्ट दूर भी दिखेगा थोड़ा, और इसको अगर नीचे करेंगे तो ये साथ साथ आएगा, ये देखिए साथ में आ रहा है, ऊपर कर रहे हैं ऊपर जा रहा है, राइट कर रहे हैं राइट आ रहा है, लेफ़्ट कर रहे हैं लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये साथ में ही चलेगा, मतलब विथ मूवमेंट करता है, इमेज के साथ चलता है, तो इसको ये माइनस नंबर हो जाएगा। हालांकि ये ज़्यादा पावर है, इसको पहचानने में आसानी हो रही है, तो हल्का पावर भी देख लेते हैं माइनस का कितना, कैसे चेक करेंगे, थोड़ा सा बार बार करने पे आइडिया होता है, एक बार भी नहीं होगा, हम लोग तो डेली करते हैं इसलिए जल्दी समझ जाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा माइनस का है या प्लस का। देखिए इसमें माइनस का पावर है लेकिन इसमें कोई मूवमेंट बहुत माइनूट हो रहा है, देखिए ध्यान से देख रहे होंगे तो आ रहा होगा नीचे, देखिए नीचे कर रहे हैं, इसको ऐसे नीचे कर रहे हैं तो हल्का सा नीचे आया, देखिए राइट कर रहे हैं तो हल्का सा राइट गया, लेफ़्ट कर रहे हैं हल्का सा इधर आया, बहुत मामूली मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा पता कि यहाँ कौन सा नंबर है।